ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କୌଣସି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ, ତେଣୁ ଏହା ଭାରତର ଏକ କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ମୁହଁରେ ଚାପୁଡ଼ା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନର ପୂର୍ବତନ ପରାମର୍ଶଦାତା। The biggest endorsement of India by US administration, President Trump agreeing to come here and be on the same stage with Modi, like I've now coined the phrase that it's a big slap on the face of Imran Khan, the Prime Minister of Pakistan. So, you know, there was some question of whether there is whether President has volunteered to negotiate in the Kashmir matter. That was just an off the cuff remark. ହୁଷ୍ଟନରେ ବଲୁଚିସ୍ତାନର କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହାଉଡି ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଟିନ୍ ନେଟୱର୍କ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏଡିଟର ଭୁବେନ ଚୌବେ। ସେମାନେ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସାରା ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଖତା ହୁଁ କି ଯୋ ପାକିସ୍ତାନୀ ହୁକୁମତ କି ଓର ସେ ଯୋ ଯୋ ମେସେଜ ଆତା ହୈ ଓ ସିର୍ଫ ଇତନା ହି ଆତା ହୈ କି ସାହବ ଭାରତ ଗଲତ କର ରହା ହୈ କାଶ୍ମୀର ପେ। ମୁଝକୋ ୟେ ବତାଇଏ ପାକିସ୍ତାନ ଖୁଦ କ୍ୟା କର ରହା ହୈ ଅପନେ କାଜ ମେ। ଦେଖୋ सवाल यहां पर पैदा होता है कि वो बोल रहे हैं कि कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है जी, ठीक है ना, लफ्ज मुसलमानियत यहां पर आती है। तो दूसरी तरफ हम ये क्वेश्चन उठाने में या कुछ बचाने होंगे, क्या बलोच मुसलमान नहीं है, इंसान नहीं है बलोच, बलोच इंसान नहीं है, बलोच मुसलमान नहीं है। अगर बलोच मुसलमान है, बलोच इंसान है, तो ये मुनाफिकत क्यों? मुनाफिकत कश्मीर के हवाले से आपकी पॉलिसी कुछ हो, बलूचिस्तान के हवाले से आपकी पॉलिसी कुछ हो। बलूचिस्तान पे, कश्मीर पे तो मैं नहीं समझता। देखो, जुल्म अगर किसी भी जगह हो जाए, वी आर नॉट गोना सपोर्ट, लेकिन हकीकत कुछ हकीकत चीजें हैं। आपको मानना पड़ेगा कि बलूचिस्तान पे जो जुल्म हो रही है उसकी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलती। कश्मीर तो क्या है? प्लीज टेल मी, डज इमरान खान हैव एनी राइट? उनको कोई भी अधिकार है क्या? उनको भारत को तो वो सारा टाइम वो खरी घोटी ही सुनाते हैं, ठीक है, क्या उनको कोई हक है कि वो भारत के बारे में ऐसा बोले जब उनके ही अपने प्रदेश में अपने राज्य में क्या हो रहा है? देखें, ही इज ए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और असल गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में है वो मिलिट्री की है, आर्मी की है, ISI की है, तो आई डोंट थिंक या जिहादियों की है, बिकॉज़ ही हिमसेल्फ गॉट सपोर्ट फ्रॉम द लाइक्स ऑफ ऑफिस। सो ही इज नॉट ए प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट कंसीडर हिम एज ए प्राइम मिनिस्टर। ପାକିସ୍ତାନର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନିଜେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସିନ୍ଧି ନେତା ଜଫର କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନରେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧି ଲୋକମାନେ ହୁଷ୍ଟନକୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ସିନ୍ଧିମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ କି ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହାନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସିନ୍ଧିମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। मेरा नाम जफर सहतोय, मैं सिंध से हूँ, GSN मुत्तहिदा महाज का अमेरिका का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आज हम यहाँ पे ह्यूस्टन में जमा हुए हैं, मोदी मोदी यहाँ पे हो रहा है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है स्पीच करेंगे और एक बड़ा क्राउड है, बड़ी इवेंट है उसको। तो हम सिंधी लोग भी यहाँ पे आए हैं एक रिक्वेस्ट लेके, एक मैसेज लेके, जो सुबह को जिस टाइम नरेंद्र मोदी जी यहाँ से क्रॉस होंगे तो हम अपना एक मैसेज, एक साइन बोर्ड लेके वहाँ खड़े होंगे कि हमें आज़ादी चाहिए। सिंधी एक तारीखी कौम है और हमारा जेनोसाइड हो रहा है, हमारी इंसानी हकूक खाए जा रहे हैं। तो हमें जैसे 1971 में जैसे बांग्लादेश की आज़ादी की मदद की गई थी इंडिया की तरफ से, इसी तरह हमें सिंध में भी आज़ादी दिला जाए, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत एक फाशिस्ट और टेररिस्ट रियासत है जो सिर्फ ISI और मिलिट्री की तरफ से चलाई जा रही है। वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है और लोगों की इंसानी हकूक की इतनी हालत है कि लोगों की लाशें फेंकी जाती हैं, उनके अज़ा, इंसानी अज़ा निकाल के वो सेल किए जाते हैं। एवरीडे मिनॉरिटीज़
वहाँ भी ये है कि ना किसी को अपनी वर्शिप करने का हक है, मंदिर जलाए जा रहे हैं वहाँ पे, चर्च जलाए जा रहे हैं, लोगों की एवरीडे किलिंग होती है। हमारा एक ऐसा समझे कि नस्ल कुशी हो रही है वहाँ पे, जिसको हम ज़्यादा और बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि मोदी जी हमारी मदद करें, प्रेसिडेंट ट्रंप हमारी मदद करें, और पूरी दुनिया को इस मीडिया के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं G7 कंट्रीज़ को और अदर ऑल सुपर पावर्स को कि मोस्टली इंडिया को हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो प्रेशराइज करें पाकिस्तान के ऊपर और सिंपथी लें पूरी दुनिया से, खास करके अमरीका से, कि इंटरनेशनल फंडिंग, किसी किस्म की भी इंटरनेशनल फंडिंग जो हो रही है पाकिस्तान को, वो बंद की जाए और पाकिस्तान को, पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान की मिलिट्री विंग ISI को टेररिस्ट करार दिया जाए। टेक्सास अमेरिकार एक अर्थनैतिक हब, तेणु मोदींकर ह्यूस्टन गस्त फळरे शक्ति क्षेत्र में सहयोग वृद्धिर संभावना सृष्टि करिछि बोली कहिछन्ति इंडो यूएस बिजनेस काउंसिल रो सभापति भारतीय वंशोद्भव निशा देसाई बिश्वल। Texas is not only a very big economic hub for the United States and including a big hub for the US-India economic partnership, it's also a center for the Indian American community, a large population center. So the fact that the Prime Minister is here, that he's going to do a roundtable with energy companies, talk about the US-India energy trade, the fact that he is going to be addressing a gathering of 50,000 Indian Americans from around the country, and that the President of the United States is traveling to Texas to be part of all of that, it is an indication of how important the India relationship is. तेबे एनर्जी स्टेडियम रे हाउडी मोदी कार्यक्रम को नहीं ह्यूस्टन रो मेयर को सह इने आलोचना करिस नम न्यूज 18 प्रतिनिधि आसंतु सुनिबा कोन कहउछन्ते से। We have a large number of Indians and within our city there's a large number of Pakistanis that live within our city. But in the city of Houston both groups have gotten along very, very well, and I'm very proud of that. When it comes to the politics and the dynamics that exist, those will exist. We respect everybody's right to express their point of view. But in the city of Houston, we're not only diverse, but we work every day to be very inclusive.